Hello friends, welcome back to my channel Electrical Power. Today we will discuss about the short circuit test. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है ट्रांसफार्मर. ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट है. ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है सेकेंडरी को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर दें. ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट तो हमेशा किस लिए किया जाता है, कॉपर लॉस निकालने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं. ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट हमारा जो होता है आयरन और कोर लॉस निकालने के लिए. ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो हमारा कॉपर लॉस कैलकुलेट करता है. ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है, सबसे पहले तो इसका टेस्ट करने के लिए हम इस तरीके से इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के साथ. ठीक है, यहाँ से हमारा V1 सप्लाई वोल्टेज होगा, V1 SC क्यों लिखा है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज मेजर करेगा. ठीक है, एमीटर लगाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम अपना एक वॉट मीटर कनेक्ट करेंगे. ठीक है, जो कि फुल लोड कॉपर लॉस हमें दिखाएगा. ठीक है, अब जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट था, ठीक है, वो हम क्या कर रहे थे, लो वोल्टेज साइड, लेकिन यहाँ पे हम हाई वोल्टेज साइड कर रहे हैं. ठीक है, उसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगा क्यों हाई वोल्टेज साइड कर रहे हैं. ठीक है, आप सोचेंगे कि हाई वोल्टेज, मैंने उसमें बताया था हाई वोल्टेज साइड लगाने पर इक्विपमेंट हमें महंगे महंगे हो जाएंगे. ठीक है, और अगर क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, करंट ज़्यादा रहता है. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमेशा हाई वोल्टेज साइड ही करेंगे, वो रीज़न मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा. ठीक है, यहाँ पे हमारे कॉइल्स रहेंगी और ये लो वोल्टेज साइड रहेगा. लो वोल्टेज साइड को हम कर देंगे, जो उसके टर्मिनल्स होंगे उनको शॉर्ट कर देंगे. ठीक है, थिक वायर से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं. ठीक है, देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑलवेज डन एट हाई वोल्टेज साइड. ठीक है, इन दिस टेस्ट द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड बाय अ थिक कंडक्टर. मैंने भी आपको बताया, लो वोल्टेज साइड को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे थिक कंडक्टर से. ठीक है, वायर से. एंड अ मीटर, अ वोल्ट मीटर एंड अ वॉट मीटर आर कनेक्टेड ऑन द हाई वोल्टेज साइड. ठीक है, तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखे हैं. ठीक है, द रीजन फॉर शॉर्ट सर्किटिंग द लो वोल्टेज साइड एंड टेकिंग मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज साइड आर एज फॉलो. ठीक है, अब यहाँ पे आपको रीजन पता चल जाएगा क्यों हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड अपना इक्विपमेंट लगाए हैं मेजर करने के लिए. ठीक है, सो फर्स्ट इसका पॉइंट है, द रेटेड करंट ऑन हाई वोल्टेज साइड इज लोअर देन ऑन लो वोल्टेज साइड. ठीक है, अब क्या होगा, हम सब जानते हैं कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो करंट वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बनता है. ठीक है, करंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है, तो यहाँ पे अपन हाई वोल्टेज साइड अगर कैलकुलेट करें, मेजरमेंट करें, ठीक है, और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट कर दें, तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो रेटेड करंट होगा हाई वोल्टेज साइड, ठीक है, वो कम होगा लो वोल्टेज साइड से, क्योंकि हमारे शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रेटेड करंट से. ठीक है, तो रेटेड करंट हमें पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने इक्विपमेंट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड जो है वो रेटेड करंट फ्लो होगा, लेकिन लो वोल्टेज साइड जो है वो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो लो वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड का करंट लो वोल्टेज साइड से कम होगा. तो इस वजह से हम क्या करें, पहला रीज़न हमें मिल गया क्यों हमने हाई वोल्टेज साइड इक्विपमेंट को यूज़ किया मेजरमेंट के लिए. ठीक है, दिस करंट कैन बी सेफली मेजर्ड विद द अवेलेबल लेबोरेटरी एमीटर. ठीक है, तो ये और ये करंट क्या है, सेफली हम मेजर कर सकते हैं, किससे, जो हमारे लेबोरेटरी एमीटर होते हैं उससे. ठीक है, सेकंड क्या होता है, सिंस द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन 5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज. ठीक है, हम क्या करें, जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो हम एकदम से फुल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज उसमें अप्लाई करते हैं. ठीक है, वही मैं आपको आगे बताऊंगा. ठीक है, सो सिंस द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन 5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज. ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 5% लेस होगा, किससे, रेटेड वोल्टेज से, ऑफ द वाइंडिंग ग्रेटर एक्यूरेसी इन रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर. ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी ग्रेटर एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेटली हमारा जो है वो वोल्ट मीटर क्या करेगा, रीडिंग रीड कर पाएगा. ठीक है, वोल्ट मीटर इज पॉसिबल व्हेन अ लो वोल्टेज साइड इज यूज्ड एज प्राइमरी. ठीक है, जब हम लो वोल्टेज साइड को प्राइमरी की तरह यूज कर. ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें आप कैलकुलेट होंगी, यूँगी क्लियर हो गई हूँ, सॉरी क्लियर हो गई हूँ कि हमने हाई वोल्टेज साइड क्यों किया. ठीक है, पहला रीज़न हमारा क्या था, करंट जो होगा हाई वोल्टेज साइड वो रेटेड करंट से, वो जो रेटेड करंट होगा हाई वोल्टेज साइड वो हमारा लो वोल्टेज साइड के शॉर्ट सर्किट करंट से कम होगा, तो इसलिए हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं. ठीक है, विद द अवेलेबल लेबोरेटरी एमीटर. ठीक है, और सेकंड क्या होगा, हमारा जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, उसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, कैसा होगा, 5% लेस देन होगा 5% ऑफ द रेटेड वोल्टेज. ठीक है, सो बाइंड क्या होगा, इजीली और एक्यूरेटली रीडिंग जो हमारा वोल्ट मीटर जो है वो ले पाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज सप्लाइड
एट द रिड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है। अब हाई वोल्टेज जो वाइंडिंग है हमारी ये, ठीक है, यहाँ पे हम जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हम वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जो हमारा वोल्टेज होगा हाई वोल्टेज वाइंडिंग में जो हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे वो क्या करें, रिड्यूस्ड करेंगे, ठीक है, एट द रिड्यूस्ड वोल्टेज फ्रॉम अ वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई के से, ठीक है। वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई का अपन यूज़ करके वहाँ अपन थोड़ा रिड्यूस्ड वोल्टेज यूज़ करेंगे, ठीक है। अब रिड्यूस्ड वोल्टेज यूज़ किया तो यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इन अंटिल फुल लोड प्राइमरी करंट फ्लोस, ठीक है। अब सप्लाई वोल्टेज हमारा, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, मतलब कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक कि हमारी अंटिल फुल लोड प्राइमरी करंट फ्लो, जब तक कि फुल लोड प्राइमरी करंट फ्लो नहीं हो जाता है, फुल लोड मतलब उसमें हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें उसकी नेम प्लेट पर सब लिखा रहता है, ठीक है, वोल्टेज कितना होगा उसका रेटेड, ठीक है, फुल लोड करंट कितना होगा, तो वो सब लिखा रहता है, ठीक है। तो जब तक कि फुल लोड जो प्राइमरी करंट फ्लो नहीं हो जाता तब तक हमारा वोल्टेज क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, ठीक है। मैंने फुल लोड रेटेड करंट फ्लोज इन द प्राइमरी वाइंडिंग, रेटेड फुल लोड करंट विल फ्लो इन द सेकंड वाइंडिंग, ठीक है। जब फुल लोड प्राइमरी करंट फ्लो होने लगता है प्राइमरी वाइंडिंग में तो फिर क्या होगा, हम जानते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है इंडक्शन का होता है, ठीक है। तो जैसे ही फुल लोड प्राइमरी करंट प्राइमरी फ्लो होगा तो सेकेंडरी में भी फ्लो होने लगेगा, ठीक है, ड्यू टू द ट्रांसफार्मर एक्शन, ठीक है। द फुल लोड करंट रीड्स द रीड्स द एमीटर, अब जो फुल लोड करंट होगा वो हमारा एमीटर रीड कर लेगा, ठीक है, क्योंकि जो मीटर अपन यूज़ करते हैं वो उतना उतनी रीडिंग रीड कर सकता है, ठीक है, जो जो फुल लोड रीडिंग होता है वो रीड कर सकता है, ठीक है, तो वो इजीली रीड कर लेगा, ठीक है। एंड द वाइंडिंग वाइंडिंग लॉसेस एंड द वोल्ट मीटर रीड्स द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, और हमारा जो वोल्ट मीटर क्या है वो रीड कर लेगा अप्लाइड वोल्टेज कितना था हमारा, ठीक है, जो हमारा वाट मीटर उसने रीड वो रीड कर लेगा वाइंडिंग लॉसेस और वोल्ट मीटर रीड कर लेगा हमारा अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट प्रोवाइड कंबाइंड लीकेज रिएक्टेंस एंड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड ऑप्टेंड कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है हमारा वो हमारे क्या प्रोवाइड कराता है, कंबाइंड लीकेज रिएक्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, कंबाइंड जो हमारा लीकेज रिएक्टेंस होता है वो ऑप्टेंड होता है उससे हमें और वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस मतलब जो लॉसेस हो रहे हैं रेजिस्टेंस वाइंडिंग की में वो हमें यहाँ से पता चल जाते हैं, ठीक है। एंड द वोल्ट मीटर सॉरी एंड ऑप्टेंड कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। द प्राइमरी वोल्टेज इज यूज इन सप्लाइंग द वोल्टेज ड्रॉप इन द इम्पीडेंस जेड ई वन, ठीक है, रेफर टू प्राइमरी। अब जेड ई वन, ई वन क्यों लिखा है, ठीक है, ई वन का मतलब है इक्विवेलेंट, ठीक है, वन मतलब प्राइमरी साइड, ठीक है, सो जेड का मतलब है इम्पीडेंस, तो जेड ई वन मतलब इक्विवेलेंट इम्पीडेंस प्राइमरी, रेफर टू प्राइमरी साइड पे, अपन प्राइमरी साइड को सब रेफर करके अपन क्या कर लेंगे, जेड ई वन निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल लेंगे। सो द प्राइमरी वोल्टेज इज यूज इन सप्लाइंग द वोल्टेज ड्रॉप इन द इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी, सो वी वन एस सी, जो वी वन हमारा एस सी होगा मतलब वी वन क्या होगा हमारा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा आप यहाँ पे, ठीक है। सो वी वन एस सी इज इक्वल टू आई वन एस सी जेड ई वन, ठीक है, बिकॉज वी इज इक्वल टू आई आर और आई जेड, सो यहाँ पे क्या है, वी वन एस सी इज इक्वल टू वी वन एस सी जेड ई वन, ठीक है। अब वी सी एफ एल यहाँ पे क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस है, ठीक है, तो यहाँ पे आयरन लॉस हमने देखा था पी आई इज इक्वल टू क्या था, वी वन आई नॉट कॉस फाइव नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कॉपर लॉस है, ठीक है, तो फुल लोड कॉपर लॉस क्या होगा, वी वन एस सी, बिकॉज एस बी नो पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे फुल लोड जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा, पी सी एफ एल इज इक्वल टू वी वन एस सी आई वन एस सी कॉस फाइव एस सी, ठीक है, वी आर वी वन एस सी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, आई वन एस सी शॉर्ट सर्किट करंट एंड कॉस फाइव एस सी शॉर्ट सर्किट पावर फैक्टर, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी, अगर प्राइमरी साइड अपन रेफर कर लें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे क्या होगा, आर ई वन इज इक्वल टू, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कॉपर लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या है, आर ई वन होगा, आई क्या है, आई वन एस सी है, ठीक है, तो यहाँ से हमने कहा लें अगर, ठीक है, तो क्या था हमारे पास, देखो लॉस जो होगा वो होगा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, लेकिन हमारे पास आई क्या है यहाँ पे, आई वन एस सी है, ठीक है, तो यहाँ से पी इज इक्वल टू क्या, पी सी एफ एल, ठीक है, क्योंकि हम फुल लोड कॉपर लॉस यहाँ पे निकालेंगे, तो पी सी एफ एल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आई वन एस सी स्क्वायर और आर ई वन, क्योंकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ पे, ठीक है, आर ई वन, ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई वन इज इक्वल टू पी सी एफ एल अपन आई वन स्क्वायर एस सी, ठीक है। अब इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हम निकाले तो वीज इक्वल टू क्या होता है आई आर और आई जेड, ठीक है। तो वैसे अपन उसी जैसे ये निकाला वैसे हम यहाँ से जेड ई वन निकाल लेंगे। और हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे रिएक्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स वन अगर हमारे पास जेड ई वन है आर ई वन है तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स ई वन इज इक्वल टू क्या कर देते हैं अंडर रूट जेड ई वन स्क्वायर माइनस आर ई वन स्क्वायर, ठीक है। और हमें अगर कॉस फाइव एस सी चाहिए तो कॉस फाइव एस सी क्या होगा आर ई वन अपॉन जेड ई वन, ठीक है। बिकॉज एज वी नो दैट कुछ इस तरीके से हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है ग्राफ की बात करें है ना, तो हमारा कुछ इस तरीके से आता है कि जो करंट हमारा जो होता है वो रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज साथ में चलते हैं तो वो बेस में आएगा, ठीक है। और रिएक्टेंस के केस में हो जाए 90 डिग्री हो जाता है तो एक्स वन यहाँ पे उन दोनों का जो वेक्टर सम होता है वो क्या होता है जेड ई वन होता है, ठीक है। मतलब इन दोनों को मिला के क्या हो जाता है हमारा इम्पीडेंस आ जाता है। तो भाई यहाँ पे हम लिखा कॉस फाई सी, कॉस फाई क्या होता है हमारा कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस आर ई वन हाइपोटेनियस एक्स ई वन सॉरी जेड ई वन, ठीक है। सो यहाँ पे कॉस फाई सी इज इक्वल टू आर ई वन अपन जेड ई वन, तो यहाँ से हम कॉस फाई सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट डन होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। रीज़न बता दूंगा जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है, उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज साइड क्यों किया है, ठीक है, और ओपन सर्किट टेस्ट में लो वोल्टेज साइड क्यों किया था, ठीक है, किस तरीके से करते हैं, ठीक है, इसमें वेरिएबल सप्लाई क्यों अपन देते हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है फुल लोड करंट फ्लो करवाना होता है, ठीक है, इसलिए अपन क्या करते हैं वेरिएबल सप्लाई देते हैं और धीरे धीरे वोल्टेज कैसा होता है इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट, थैंक यू। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ठीक है, वीडियो को लाइक करते जाएं ताकि आपका सपोर्ट बना रहे और मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू बनाता रहूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे बैक टू बैक टेस्ट, ठीक है, जिसे हम संपन्न टेस्ट या रीजनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।